सुप्रभात दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं विकास कुमार और आपके अपनी वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि जो शासन प्रशासन है वो लगातार चाह रहे हैं कि विद्यालय खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, तो इस संबंध में उन्होंने अभिभावकों, बच्चों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों सभी से इस बात की पुष्टि मांगी है कि वे क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अभिभावकों से इस संबंध में बात करेंगे और आज जुड़े मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के जो अभिभावक है इस संबंध में वे क्या चाहते हैं कि विद्यालय जुलाई में खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। छोटा सा जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, उस पर जरूर जो है बात करके अपने अभिभावकों से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वे विद्यालय खोलने के पक्ष में हैं या नहीं है। ठीक है, वैसे तो सभी बच्चे जो ना पढ़ने वाले हैं वे ये चाह रहे होंगे कि विद्यालय खुलना ही नहीं चाहिए। ठीक है भैया, विद्यालय नहीं खुलेगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वे कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे होंगे कि विद्यालय कब खुले। ठीक है ना, तो आप लोग अभिभावकों से बातचीत करके अपनी सहमति मुझे जरूर दीजिए आज अनिवार्य रूप से, ताकि मुझे ये जानकारी हो जाए कि हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय खोलने के पक्ष में हैं, यानी आपके अभिभावक इस संबंध में क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज आप अपने परिवार से, अपने अभिभावकों से जरूर डिस्कस कीजिएगा कि उनकी क्या मंशा है विद्यालय खोलने के संदर्भ में। तो अब जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं आज का जो हमारा पार्ट 16 वीडियो है प्रगलन। ठीक है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भैया, ये जो प्रगलन है, स्मेल्टिंग है, इसमें क्या होने वाला है, आप वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। यारे बच्चों, इसमें प्रगलन में क्या होगा, जब आपने अभी भर्जन और निस्तापन किया था, इससे पहले वीडियो में आपने भर्जन और निस्तापन पढ़ चुके हो निस्तापन, तो आज यहाँ क्या होने वाला है भाई, प्रगलन में हमारे पास एक भट्टी होगी और इसी भट्टी में हम जो भी हमारे पास भर्जित या निस्तापित होने वाला जो मटेरियल है वो है, तो उसको हम यहाँ भट्टी में डालकर गर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, इसी चीज को प्रगलन कहते हैं, मतलब गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आप हर बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास एक वात्य भट्टी है। ठीक है, क्या है ये एक वात्य भट्टी होती है, वात्य भट्टी। इसमें क्या होगा, इसकी जो भट्टी की जो हाइट होती है वो लगभग 25 मीटर होती है। ठीक है, हर पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो हमारे कंपटीशन के प्रतिभागी हैं वे भी इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भैया, ये जो भट्टी है इसका जो अंदर वाला जो स्तर बनाया है मैंने, ये किसका बना होगा भाई, ये होगा किसका हो सकता है, ये अग्निशय ईंटों का बना होगा, अग्निशय ईंट। ठीक है, देखिए किसी ने अग्निशय ईंट, तो अग्निशय ईंट कैसी होती है, ऐसी ईंट जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हो। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा जो काली सी मुड़वल सी जो ईंट होती है उनको क्या बोलते हैं, अग्निशय ईंट कहते हैं उनको। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक हॉपर होगा, जिसको क्या कह देंगे, हॉपर कहते हैं, और इस हॉपर की मदद से हमारे पास जो भी मटेरियल है, जो अयक्ष है जिसका आपने भर्जन कर दिया है, उसको आप यहाँ से इसमें डालोगे। ठीक है, लेकिन डालने से पहले यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैक्सिमम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपके पास यहाँ दो गर्म हवा के लिए क्या होंगे, दो ट्विटर, ट्विटर होंगे भाई। इनके अंदर क्या होता है, ट्विटर के बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोयले का चूरा और गर्म वायु इसके अंदर भेजी जाती है और यहाँ का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है और उसकी जो मैक्सिमम सीमा होती है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वात्या भट्टी में अधिकतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो भैया कितना होता है,
1600 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो सबसे ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि सबसे ऊपर कम तापमान 200 डिग्री सेल्सियस और सबसे नीचे अधिकतम तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो इसका बीच वाला भाग है, ये वाला, यहाँ जो टेम्परेचर होता है लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। मध्य भाग में 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, सबसे नीचे वाले भाग में 1600 डिग्री सेल्सियस और सबसे ऊपर वाले भाग पर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे। और इसका जो बीच वाला भाग है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 10 मीटर व्यास बीच वाले भाग का होता है। आप समझ सकते हो कि जो मध्य भाग है इसका व्यास सबसे ज्यादा होता है, 10 मीटर के आसपास इसका व्यास रखा जाता है। जो भट्टी का बाहरी स्तर होता है दोस्तों, ये इस्पात का बना होता है, इस्पात का ये बाहरी स्तर जो है बना होता है। जब भट्टी के अंदर आप क्या डालते हो, कोई जो गलित हो चुका, जिसका आपने भर्जन कर दिया है, ठीक है, एक्स डालते हो तो वो सबसे नीचे गिरता है। और इसके सबसे नीचे वाला भाग है धातुमल, धातुमल मतलब अपशिष्ट, जैसे कि FeSiO3, ठीक है, धातुमल, फेरस सिलिकेट, इस तरह का जो मटेरियल है वो सबसे नीचे वाले भाग से निकलता है। और जो आपके पास गलित धातु आएगी, गलित धातु आएगी, वो इसके दूसरे नंबर से बाहर निकल जाएगी, गलित धातु। ठीक है, इनका नाम ट्यूटर है, दोनों लगे होते हैं। और इसका जो बाहरी स्तर है वो इस्पात का, और अंदर वाला स्तर जो है अग्निशयनिटों का बना होता है। भट्टी के अंदर जो अपशिष्ट गैसें बनती है उसको हम व्यर्थ गैसें के रूप में बाहर से निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं बेकार व्यर्थ गैसें। तो ये जो गैस है ये बाहर निकल कर चली जाती है, भट्टी के ऊपर वाले भाग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ कॉपर के एक्स की बात करें तो यहाँ क्या क्या रिएक्शन होगी, क्या क्या अभिक्रियाएं होंगी। मान लेते हैं आपके पास कॉपर पाइराइट है, और कॉपर पाइराइट का आपने पहले भर्जन कर दिया है, तो भर्जन करने के बाद आपको कॉपर पाइराइट के पास C2O है, और इसमें जो है आप FeS को गर्म करोगे यहाँ से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको C2S और प्लस FeO, ये दोनों चीजें आपको यहाँ प्राप्त होंगी, यानी कि मिल जाएगी। क्यूप्रस ऑक्साइड जो है फेरस सल्फाइड के साथ क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बना लेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ये फेरस है, ये ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस, ये सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, ये क्या है, कॉपर, और ये ऑक्सीजन, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड FeS फेरस सल्फाइड। ठीक है, जब आप हमेशा इनके नाम लिखते हो तो दोनों को अलग अलग तोड़ के लिखोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, हार्ड नहीं है। तो उसके बाद यहाँ आपके पास अवयव सबके कंट्रोल हो गए होंगे, अभिक्रिया के जो दोनों पद है वो संतुलित हो चुके होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ 2-3 जो रिएक्शन होने वाली है, आपके पास जो FeS है ये ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्योंकि जो भट्टी का ऊपर वाला मुंह है ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ वायु आ जा सकती है, तो ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया यहाँ होगी। ये क्या बनाएगा यहाँ पर, FeO। आप देख पा रहे होंगे अवयवों की संख्या जो है बराबर नहीं है, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलना स्वाभाविक है, और ये व्यर्थ गैस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब ये जो FeS है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, यहाँ फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब आप देख रहे होंगे कि अणुओं की संख्या बराबर नहीं है, यहाँ Fe के कितने, O के कितने हैं, 1 और ये 2, और यहाँ 2 है, अगर आपने यहाँ 2×2=4 कर लिया और यहाँ 2 लगाया तो कितने हो जाएंगे, एस के भी 2 हो जाएंगे, और जैसे ही आपने यहाँ एस के 2 किए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि एस के वहाँ पे 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2×4 और 1×5, ठीक है, और Fe कितने हैं आपके पास, यहाँ 2, तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि Fe भी यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 2×4 और 2×6, तो आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसी भट्टी में आपके पास जो भर्जन होने वाला अयस्क था उसमें आपने रेत
ठीक है, मिलाया होगा, ठीक है, सिलिका मिलाया होगा। तो ये जो एपीओ है आपका, एपीओ ये वाला, ये क्या करेगा, ये सिलिका के साथ क्रिया करेगा SiO2 के साथ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेत बोलते हैं, रेत, ठीक है। जैसे कि नहर का रेत होता है, ये सिलिका ऐसा ही है। अब ये जो सिलिका है इसके साथ क्रिया करेगा एपीओ के, तो ये बना लेगा फिर सिलिकेट, Fe SiO3, ठीक है। क्या नाम है इसका, आयरन सिलिकेट मतलब धातुमल, ठीक है। क्या है ये धातुमल है, और ये धातुमल के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हमारा जो प्रगलन टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। 10th क्लास की बात करें तो ये अक्सर 2 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर 12th क्लास की बात करें, 12वीं की बात करें केमिस्ट्री में, तो ये 4 मार्क का एग्जाम में आता है क्वेश्चन। वात्या भट्टी का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो उसमें से इसके लिए छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे नीचे का जो तापमान है वो कितना होगा और सबसे ऊपर का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। इसका बाहरी स्तर किसका बना होता है, इस बात का, तो छोटी छोटी बात फोकस करने वाली है कंपटीशन के लिए। और इसकी जो हाइट होती है 25 मीटर, मध्य भाग में जो इसका व्यास होता है 10 मीटर होता है, ठीक है। इसमें गर्म वायु के लिए कोयले का चूर्ण और गर्म हवा यहाँ भेजी जाती है। तो कुछ खास पॉइंट्स मैंने कंपटीशन के लिए भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। अपनी जानकारी के लिए आप इनको अलग से भी नोट कर सकते हैं।